चलो अब अगला हेडिंग लगाओ आप। कल मैंने बताया था फैक्टर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, अगला हमारा टॉपिक होगा, बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक है, इसको अच्छे से आप लोग समझो सीखो। नाम क्या है टॉपिक का? फैक्टर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। चलो अब माइक को म्यूट कर दो और चुपचाप केवल समझो अभी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर किसे कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 24, ठीक है, 24 एक नंबर है, और मैं आपसे पूछूं कि 24 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो देखो फैक्टर का मतलब होता है कि आपको यह सोचना है कि 24 किस किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब होता है कि उससे अगर हम भाग करें तो उसका जो वैल्यू हो है, वो दशमलव में ना है। जैसे आप समझो कि 24 वन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, यस और नो, हो जाएगा, ठीक यस है। अब मुझे बताओ कि 24 अगला किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? टू टू। से दो टू से, से तो टू सर। मैंने लिख दिया। अब बात को समझते चलना कि 24 अगला हमारा कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो आप बोलोगे कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 थ्री के टेबल में भी 24 आता है। आ रही है बातें समझ? नेक्स्ट, 24 ये सर फोर4 से भी डिवाइड हो से जाएगा, फोर क्योंकि 4 के से टेबल में भी 24 आता है। लेकिन ये नंबर जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 24 5 के टेबल में नहीं आता है। बातें क्लियर नहीं है? आता। तो यहां पे हम 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 24 का फैक्टर नहीं होगा। बात क्लियर है? 5 के बाद 6 होगा कि नहीं? यस होगा, ठीक है। सर 7 यस होगा? नहीं नहीं सर होगा। नहीं 8 एट यस आएगा, सर क्योंकि 8 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, बट 12 तो होगा। सर और 12 के बाद डायरेक्ट जो होगा वो 24 ही होगा, बीच में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि 24 24 से भी तो डिवाइड होगा, यस और नो? यस तो आप एक चीज समझ लो कि नंबर चाहे कोई सा भी हो, उसके दो फैक्टर तो कम से कम होगा ही। वो कौन कौन सा? एक वन और एक वो खुद। एक वन और एक वो जैसे अगर नंबर कोई सा भी हो, उसके मिनिमम कितने फैक्टर होंगे? दो दो फैक्टर मिनिमम होगा, लेकिन और नंबर्स का फैक्टर दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो होगा। लेकिन एक नंबर ऐसा भी है जिसको अगर हम बात करें वन की, तो वन के कितने फैक्टर है? एक वन का सिर्फ वन फैक्टर है, यानी एक फैक्टर है। लेकिन वन के अलावा आगे जितने नंबर हैं उनके फैक्टर मिनिमम दो होगा या दो से ज्यादा ज्यादा होगा, दो से कम नहीं हो सकता। बातें क्लियर है? तो पहले यस मुझे बताओ कि आपको फैक्टर का मतलब समझ आया यस कि किसी नंबर का फैक्टर का क्या मतलब है। तो अब मान लो कि मैं आपसे ये पूछूं कि 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब आप समझो कि इस चैप्टर का पहला सवाल क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो कोई एक नंबर दे देगा। जैसे मान लो कि एक नंबर दे दिया 24, उसने बोला कि एक नंबर 24 है, तो बताइए उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, यानी उसके फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी। तो इसका मतलब है कि मैं उसका फैक्टर लिख लूंगा और लिखने के बाद उसकी काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो आप कह सकते आठ हो कि 24 के टोटल फैक्टर जो होगा, नंबर ऑफ फैक्टर, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? सर अगर मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछूं कि 24 के टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? एट एट। एट अब मैं आठ यही सवाल यहां पे पूछूं कि 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नाइन. तो आपका आंसर क्या होगा? नाइन. क्योंकि आपने देखा कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं? नौ आ रहे हैं. नौ. बातें क्लियर हो रही है? तो आप ये समझ लो कि फैक्टर कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस करना है कि अगर कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए तो उसमें आप ये फाइंड आउट करके बता सको कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे उस नंबर के, किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे. बोलो, बात नहीं समझ? है? यस सर. बातें आ गई समझ? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर. देखो, yes, दो बातें समझो, फैक्टर का क्या मतलब है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का क्या मतलब है. फैक्टर तो वो नंबर होता है जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि जितने नंबर उसमें आएंगे उनकी काउंटिंग कर देंगे और उसको लिख देंगे, तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर. तो चलो आगे की बात अब हम समझाते हैं आपको. किसी को कुछ पूछना है? No, sir. सबका डाउट क्लियर है? क्या बात? Yes, sir. सब गधे हैं. किसी बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर किसी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना होगा तो क्या मैं उसका सारे फैक्टर मैं सोच कर लिखूंगा कौन कौन सा होगा और उसके बाद मैं उसको गिनूंगा, या कोई डायरेक्ट मेथड है ये पता करने का कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर आएंगे? किसी ने मुझसे सवाल पूछा? नहीं. No, sir. मैंने बोला कि 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9 होंगे, तो तुम एक काम करो कि नंबर लिखो, उसके फैक्टर सोच कर लिख दो और उसके बाद गिन कर बता दो कि 9 फैक्टर होंगे. तुम इस बात से मान गए क्या? बड़े नंबर का भी ऐसे कर सकते हो? No, sir. तो फिर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए कोई हमें मैथमेटिकल मेथड चाहिए जिससे कि हम किसी भी नंबर का डायरेक्ट ये बता सके कि उसके कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे. लिखकर काउंटिंग करना तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल मेथड हो गया, ये मैथमेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकली आपने देखा कि कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है और गिन कर आंसर बताए. ठीक है, तो अब बात को समझो कि मैं आपको मैथमेटिकल से समझाता हूं कि किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, इसको हम मैथमेटिक्स लगाकर कैसे निकालेंगे. आपने पहला मेथड क्या सीखा? प्रैक्टिकल मेथड. अब मैथमेटिकल की बात करते हैं. पहला नंबर मैंने क्या लिया था? 24. और दूसरा नंबर मैंने क्या लिया था? 36. देखो, मैंने वही सेम नंबर इसलिए लिया क्योंकि आपने प्रैक्टिकली इसका आंसर निकाल कर देख लिया है कि इसका आंसर 8 आया था. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया था? 8. और इसका आंसर कितना 9. आया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर? 9. तो अगर प्रैक्टिकली 8 और 9 आ रहा है और अगर मैथमेटिकली मैं बताऊं और अगर सेम आंसर आ जाए तो आप बात को मान लोगे ना कि हमारी जो मैथमेटिक्स का मेथड है वो सही है. यस सुनो. ठीक है, तो देखो करना क्या है. अगर किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना. 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12. फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6. और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में आएगा? 3. और फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1. तो ये तो सबको आता है ना. अब मुझे बताओ कि मैं इस 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकता हूं? यस सुनो, ये फैक्टराइजेशन आपको किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करना होगा और उसको प्राइम फैक्टर के टर्म में पावर में लिखना होगा. इसके बाद क्या करना होगा? देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकाला जाता है. दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, आप देखो कि ये जो 2 प्राइम नंबर है इसकी पावर में कितना है? 3 है. तो उसकी पावर में 1 प्लस करना होगा, यानी 3 प्लस 1 लिखना होगा. और फिर देखो कि इसकी पावर में कितना है? 1 है. तो इसको भी 1 से बढ़ाना होगा, यानी कि सबकी पावर को 1 से बढ़ा दो. 3 प्लस 1 कितना होगा? 4. और 1 प्लस 1 कितना होगा? 2. और दोनों का मल्टीप्लाई ओवरऑल कितना देगा? 8. यानी कि अगर इस तरह से जितने भी नंबर आ जाए
उनकी पावर में वन प्लस कर दो और बीच में मल्टीप्लाई है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको फाइनली ये पता लग जाएगा कि इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। आप देखो कि एट आया, हाँ या ना? Yes, sir. मैथमेटिकल मेथड आपको समझ आया? ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या है कि अगर आप सोचते टाइम एक नंबर भी मिस कर दिए, मान लो आपके माइंड में वो आया नहीं, तो फिर क्या होगा, आंसर हो जाएगा गलत। जैसे कि एक बच्ची ने अभी बताया था 36 का, उसमें 9 को मिस कर दिया, अगर आप सोचो कि उसमें 9 नहीं आपके दिमाग में आता है तो आंसर गलत हो जाता कि नहीं। बट यहां पे कोई गलत होने का चांस नहीं है, अगर आपका फैक्टराइजेशन सही है तो 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो 36 का मैं बता रहा हूं, 36 का फैक्टराइजेशन जब करोगे तो क्या आएगा बोलो, 2 की पावर 2 और इनटू 3 की पावर 2। डायरेक्ट लिख दूं मैं? यस सर। ये तो अब आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, है ना? तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये होता है 36। अब मैं यहां पे आपसे कहूं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप बताओ कि क्या करोगे? 2+1 × 2+1। हाँ, इसकी पावर में जो 2 है उसमें प्लस 1 कर दो तो 2+1, और यहाँ भी 2 ही है तो 2+1, तो तुम देखो कि ये 3 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। अब बताओ आंसर मैच कर रहा है दोनों का? यस सर। तो किसी बच्चे को कोई डाउट है? यस सर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया ना? नो डाउट सर। यस सर। किसी भी क्वेश्चन का निकाल लोगे? ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, और पहले आंसर आप लोग बताओ। अगर मैं एक थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लूं 100, और मैं आपसे पूछूं को 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, सॉरी कितने होंगे? 9 आएगा। यस सर। जी सर। देखो कैसे 100 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 और इनटू 5 की पावर 2, यही लिखोगे ना? 25 चौके 100। ठीक है, इसके बाद जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9, तो आप क्या लिखोगे, पावर को 1 प्लस करोगे 2+1 फिर 2+1 और ये कितना दे देगा, 9। 3 × 3 तो बोलो किसी भी नंबर का आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता सकते हो? यस सर।